छह दिन बाद कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत फटकारा। लगातार 4-5 सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि यदि 500 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया जा सकता है तो विकास कार्य के लिए अपने हिस्से का 400 करोड़ रोककर क्यों बैठे हैं केजरीवाल। सरकार का खजाना जब्त करने की धमकी दे रही है कोर्ट पर, केजरीवाल पर जैसे कोई असर नहीं। सोच रहे हैं कि कोर्ट पैसा जब्त कर ले तो काम न करने का बहाना मिल जाएगा। रोना रोने में ही तो इंजीनियरिंग की है। लोगों के पास जाकर कह देंगे सब मिले हुए हैं जी। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को RRTS प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित फंड जारी न करने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि आपको जो राशि अदा करनी है, समस्या यह है कि उसके लिए आपके हाथ मरोड़ने होंगे। जस्टिस संजय किशन कोल और सुधांशु धूलिया की बेंच को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने RRTS को जो पैसे देने हैं उसका कुछ हिस्सा ही दिया है। इस पर बेंच ने कहा, आधे अधूरे भुगतान का सवाल ही नहीं उठता, पूरा भुगतान करना ही होगा। पैसा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस कोल ने कहा कि समस्या यह है कि दिल्ली सरकार पर उस पैसे के भुगतान के लिए अदालत को दबाव बनाना पड़ रहा है, जो पैसा देना उसकी जिम्मेदारी है। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको हर हाल में इस परियोजना के लिए अपने हिस्से का पैसा देना होगा। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक तय कर दी है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अपने विज्ञापन बजट का पैसा RRTS फंड में ट्रांसफर करने को कहा था। हालांकि एक हफ्ते के लिए अदालत ने अपने आदेश को रोक लगा दी थी और कहा था कि यह आदेश तब लागू होगा जब सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई पर अलवर और पानीपत से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के लिए धन मुहैया नहीं कराने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया था। साथ ही कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और पैसा विज्ञापन पर खर्च हो रहा है। पीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली सरकार को विज्ञापन मद से 418 करोड़ रुपए RRTS परियोजना के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बीते अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के समय पर कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा देय शेष राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा था कि इस मामले में पेश जानकारी से पता चलता है कि विज्ञापन के लिए 3 साल का बजटीय प्रावधान 1100 करोड़ रुपए था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी इस मद में 550 करोड़ रुपए रखा गया। धन की कमी से RRTS जैसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती है और हम यह कहने को इच्छुक होंगे कि पैसे को बुनियादी ढांचे में लगाया जाए। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।